हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन दम बिरयानी। सबसे पहले हम ले लेंगे 750 ग्राम चिकन। उसके बाद हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, अब इसे हम मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले हम दही डाल देंगे इसमें, उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसमें हम सूखे मसाले ऐड कर देंगे। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही का हम जो है पानी हटा देंगे, थोड़ा हंग कर देंगे। मैरिनेट करने के बाद इसे हम 1 घंटे रख देंगे कम से कम। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसे बाहर ही रखेंगे। मैरिनेट करने से थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं पीसेस। अब हम ले लिए हैं चावल। चावल भी मेरा जो है 500 ग्राम है, और पानी इधर हम बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। 10-15 मिनट पहले आप जो है चावल को भिगो लें। बासमती राइस है, और इसमें हम डाल देते हैं कुछ जो है खड़े मसाले, गरम मसाले। थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। आप चाहे तो घी खाते हो तो घी डाल दें, और नमक ऐड कर देंगे। पानी में बॉयल आने के बाद इसमें हम डाल देंगे चावल। चावल को हम कम से कम 80% पकने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। तब तक हम चलते हैं उस साइड, अपना चिकन जो है पका लेते हैं। साथ के साथ दो दो काम ऐसे हो जाएंगे। आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आ गया है, और लगभग ये चावल पक गया है। अब इसे हम निकाल के स्ट्रेनर से छान लेते हैं, ताकि इसका पानी जो है निकल जाए पूरी तरीके से। आप चाहें तो इसके मसालों को भी आप निकाल दें, नहीं तो चाहें तो आप ऐसे ही रहने दें। इधर हमने कुकर रख दिया है गैस पर, इसमें हम तेल डालते हैं। तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे, और इसमें हम गरम मसाले डाल देंगे, साथ में जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने के बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज हमने फ्राई करके रखा हुआ है। और इधर देख सकते हैं हम, चावल हमारा हो गया है। 80% पकने के बाद इसे हम छान लेंगे, बाकी 20% आप दम पे रखेंगे, उसमें पक जाएगा ये। अब इसमें हम सूखे मसाले डाल देते हैं, धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाले भी ऐड कर देंगे इसमें हम। थोड़ी सी हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे हम इसमें, नमक डाल देंगे। और हम अब डाल देंगे अदरक लहसुन का बचा हुआ पेस्ट थोड़ा सा। उसके बाद हम चिकन जो है कैमरा ऑन करना भूल गए थे, चिकन को हमने डाल दिया था। उसके बाद इसे हम चला देंगे, और देख सकते हैं आप इसमें पानी जो है आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा सूखा कर देंगे, पानी को निकाल देंगे। अब इसमें हम चलते हैं नीचे, हमने गैस की फ्लेम हाई रखी है, और इसमें हम फ्राई प्याज रख दिए हैं, थोड़ा सा चिकन बिरयानी मसाला डाल दिए हम इसमें। अब इसमें हम चावल को भी छाना है। आप चाहे तो 1-2 लेयर लगा लें, नहीं तो आप एक ही लेयर में फिनिश कर दें पूरा। ये हमने लेयर लगा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, आप चाहे तो केसर डाल दें दूध के साथ मिक्स करके। हम दूध का यूज नहीं करेंगे इसमें। नींबू डाल दिया हमने, नींबू का रस। और इसमें हम डाल देते हैं लच्छे वाला प्याज जो है फ्राई वाला, और धनिया का पत्ता डाल देंगे। पुदीना का पत्ता मिले तो आप उसको भी डाल दें, कोई एसेंस डालना हो तो भी डालें, नहीं तो इसका चिकन का टेस्ट तो ऐसे ही इतना बढ़िया आता है, इसकी अरोमा बहुत अच्छी आती है। अब इसे हम ले लेंगे सिल्वर फॉइल, और उसी से हम पैक कर देंगे पूरी तरीके से। पैक करने के बाद काफ़ी गर्म है तो बहुत सावधानी से करना। नीचे चाहे तो आप तवा रख दें गैस पे, उसके ऊपर कुकर रखें, नहीं तो आप धीमी आंच पे इसे 10 मिनट पकने दें। और अब बस अब ढक्कन हम ऐसे ही ऊपर से रख देंगे। 10 मिनट बाद हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। अब चलते हैं, हम इसे प्लेटर कर लेते हैं। आई होप कि हमारी ये बिरयानी की रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आई होगी तो बना के ट्राई ज़रूर करिएगा, और साथ में हमारे चैनल माधुरी किचन ब्लॉग को शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा बटर डाल दें बटरी फ्लेवर आने के लिए,
ये हमारा बिरयानी बनके तैयार हो गया है यम्मी सा। आप चाहें तो इसे पूरे चावल में मिक्स कर दें, लेकिन ये ऐसे ही कहीं थोड़ा सा जो है वाइट, कहीं थोड़ा सा येलो, देखने में टेम्पटिंग लगता है बिल्कुल। और बना के आप इसे चाहें तो रायते से खाएं या तो फिर प्याज और खीरे से खाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड।